Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu analysis for 26th of August 2019. और discussion शुरू करें उससे पहले आप लोगों के लिए कुछ questions हैं. So first question is, latest country to join World Trade Organization is A. Bhutan, B. Afghanistan, C. Sudan या D. Taiwan. Second question is, Abhor, Mishmi and Duflas are A. Names of tribes inhabiting Arunachal Himalayas, B. Names of hills present in Arunachal Himalayas, C. Names of river flowing through Arunachal Himalayas, या फिर D, both A and B are correct. Third question is, Mazuli, one of the largest riverine island in the world, is located on which river? A, Ganga, B, Manas, C, Brahmaputra, या फिर D, Padma. तो आप लोग इन तीनों questions के answer करिएगा comment section में. हम अपना news discussion शुरू करते हैं. And आज की जो सबसे पहली news है, that is related to former Prime Minister Manmohan Singh and Special Protection Group. अब जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं Manmohan Singh, he is all set to lose Special Protection Group cover. अब ये जो Special Protection Group cover है, that is being provided to the Prime Minister and former Prime Ministers and to their close family members. तो अब ये जो है Ministry Cabinet Secretariat ने ये decision लिया है according to sources के हिसाब से कि अब ये Special Protection Group का जो cover former Prime Minister Manmohan Singh को और उनकी family को मिला हुआ था that will be withdrawn. हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के बारे में देख लेते हैं कि कब बना था, किस पर्पस के लिए बना था एंड इनका मोटो क्या है. तो आफ्टर द डेथ ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, जब उनका एसासिनेशन कर दिया गया, आफ्टर दैट अ नीड वॉज फेल्ट कि प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी फैमिली को प्रोटेक्शन देने के लिए एक स्पेशल बॉडी की जरूरत है एंड आफ्टर दैट स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप वॉज फॉर्मड इन 1985. ठीक है, जब इनिशियली बना था तब इसके लिए कोई एक्ट नहीं था, बट इन 1988 एन एक्ट वॉज पास्ड फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप. तो ठीक है, एट प्रेजेंट ध्यान रखिएगा कि एन एक्ट हैज बीन पास्ड एंड स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप इज अ स्टैचुरी बॉडी. इसका फंक्शन क्या है? फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉक्सिमेट सिक्योरिटी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड मेंबर्स ऑफ देयर इमीडिएट फैमिलीज वेयर एवर इन द वर्ल्ड दे आर. पहले क्या होता था कि कुछ दिल्ली के अंदर दिल्ली पुलिस एंड आईबी के लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, बाहर और लोग प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे. इस कारण से कोऑर्डिनेशन वगैरह की बहुत कमी हो जाती थी एंड दैट पोज्ड अ थ्रेट टू द प्राइम मिनिस्टर्स एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर. जब इनिशियली स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बनाया गया था देन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था एंड इन 1989 वीपी सिंह गवर्नमेंट ने राजीव गांधी को का स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कवर जो है वो हटा लिया था एंड आफ्टर दैट ही वाज एसासिनेटेड इन 1991 एंड 1991 के बाद इसमें चेंज किया गया कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड उनकी फैमिली को भी इसमें इंक्लूड किया गया. अब स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का मोटो क्या है? शौर्यम, समर्पणम एंड सुरक्षणम. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, मोटो क्या है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का? शौर्यम, समर्पणम एंड सुरक्षणम. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे. इसके अलावा इसकी कंट्रोलिंग बॉडी ध्यान रखिएगा, कैबिनेट सेक्रेटारिएट. कैबिनेट सेक्रेटारिएट इज द कंट्रोलिंग बॉडी ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कवर, एसपीजी. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग. एंड एट प्रेजेंट किन किन लोगों को स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप कवर मिला हुआ है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी को एंड हर चिल्ड्रन राहुल गांधी एंड प्रियंका गांधी वाड्रा. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू प्राइम मिनिस्टर्स मन की बात. ठीक है, मन की बात कल प्राइम मिनिस्टर हर लास्ट संडे को एड्रेस करते हैं, वहां पर उन्होंने कुछ इश्यूज को रेज किया है, उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. ऑलवेज रिमेंबर कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, कोई भी कैबिनेट मिनिस्टर या फिर वाइस प्रेसिडेंट कुछ भी बोलते हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज बींग हर्ड बाई अक्रॉस द स्पेक्ट्रम एंड वहीं से क्वेश्चन बनते हैं हम लोगों के लिए. ठीक है, तो ध्यान रखेंगे हम लोग. सबसे पहला जो प्राइम मिनिस्टर ने बात की है, he has told people to learn from Krishna that power should be used for the welfare of the society. उन्होंने अभी जन्माष्टमी थी तो उससे related कृष्ण का जिक्र किया है and he has said कि हमें भगवान कृष्ण से सीखने की जरूरत है कि आपके पास immense power हो, बहुत powerful हो जाओ आप, बहुत सर्वशक्तिशाली हो जाओ, पर तब भी आपको जो है अपनी power का use लोगों की भलाई के लिए करना चाहिए. सो पावर शुड बी यूज्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी. ये सारे एग्जांपल्स जो है आप अपने जीएस 4 में एथिक्स में अगर पूछा जाता है कि रिलीजियस स्क्रिप्चर्स का भी यूज कैसे किया जा सकता है फॉर बिल्डिंग एन एथिकल पर्सन, तो ये सब हाईलाइट कर सकते हैं कि व्हाट वी कुड लर्न फ्रॉम अवर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स. सेकेंड थिंग ही हैज डिस्कस्ड इज कि फर्स्ट थिंग ही हैज टॉक्ड अबाउट चक्र बियरिंग मोहन, जो मोहन जो चक्रधारी थे एंड दूसरा जो उन्होंने डिस्कस किया है डेट इज चरखाधारी मोहन एंड ही इज टॉकिंग अबाउट फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी. एंड इस साल गांधी जी की 150th बर्थ एनिवर्सरी है एंड महात्मा गांधी वॉज बॉर्न ऑन 2nd अक्टूबर 1869 इन
पोरबंदर, ये ध्यान रखेंगे हम लोग। एंड इस साल एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि आपसे जीएस वन में पॉलिटिकल पर्सनालिटीज के तौर पे महात्मा गांधी के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर जीएस फोर में पूछा जा सकता है कि उनके एथिक्स क्या थी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस का आज क्या रेलेवेंस है, या फिर ऐसे पेपर में पूछा जा सकता है गांधी इज रेलेवेंस इन द प्रेजेंट टाइम। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे इन सारे। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने गांधी जी से जुड़े हुए जो मूवमेंट थे लाइक चंपारण मूवमेंट, दांडी मूवमेंट एंड हिज सेल्फलेस सर्विस टू द सोसाइटी, इन सारी चीजों को भी अपनी स्पीच में डिस्कस किया है। एट द सेम टाइम ही हैज मेंशनड कि हरिपुरा कांग्रेस सेशन वाज हेल्ड इन गुजरात एंड सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट इन हरिपुरा सेशन। तो ये ध्यान रखिएगा कि हरिपुरा सेशन जो हुआ था कांग्रेस का, दैट वाज हेल्ड इन गुजरात एंड इन द हरिपुरा सेशन सुभाष चंद्र बोस वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने एक फेमस आर्टिस्ट है नंदलाल बोस, उनका भी जिक्र किया है। एंड नंदलाल बोस ने जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो ओरिजिनल कॉपी है उसमें जो पेंटिंग्स बनी हुई हैं, डेट वॉज मेड बाई नंदलाल बोस। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैज डिस्कस्ड अबाउट पोषण अभियान। पोषण अभियान के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है। ध्यान रखिएगा, इट इज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, पोषण अभियान को इंग्लिश में नेशनल न्यूट्रिशन मिशन भी बोलते हैं। अब इसके अंदर टारगेट किन चीजों को किया जा रहा है, स्टंटिंग, अंडर न्यूट्रिशन, एनीमिया अमंग यंग चिल्ड्रन, वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स एंड लो बर्थ वेट, इनको टारगेट किया गया है कि बाई 2022 दे आर टू बी रिड्यूस बाई 2%, 2%, 3% एंड 2%। जो हमारा स्टंटिंग है उसको 2% रिड्यूस करना है, अंडर न्यूट्रिशन को 2% रिड्यूस करना है, अनिमिया को 3% रिड्यूस करना है एंड लो बर्थ वेट को 2% पर एनम रिड्यूस करना है बाय 2022। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर्स के बारे में भी डिस्कस किया कि अभी रिसेंटली टाइगर सेंसस रिलीज हुआ था एंड इन दैट वी हैव फाउंड कि इंडिया हैज 2,967 टाइगर्स। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन का भी जिक्र किया। अब हम लोग सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, फॉर डबलिंग द टाइगर पॉपुलेशन। 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह है रशिया में, वहां पर जो टाइगर बियरिंग कंट्रीज हैं जहां पर टाइगर पाए जाते हैं, दे ऑल हैव मेट एंड डिसाइडेड टू डबल द टाइगर पॉपुलेशन बाई 2022। लेकिन इंडिया ने अपनी टाइगर पॉपुलेशन 2019 में ही अचीव कर लिया है। एंड प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि दिस इज न्यू इंडिया वेयर टारगेट्स आर अचीव बिफोर द डेडलाइन डेट। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर ने स्वामी विवेकानंद की जो स्पीच दी थी उन्होंने 11 सितंबर 1893 में यूएसए में जाकर के, उसको भी डिस्कस किया है शिकागो में, शिकागो की स्पीच को डिस्कस किया है। एंड प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि वी शुड लर्न फ्रॉम स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद से हमें सीखना चाहिए। एंड उन्होंने जो लोगों के सर्विस करने की बात की थी एंड अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगाने की बात की थी, उसको हम सभी लोगों को मानना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि 29th ऑफ अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब नेशनल स्पोर्ट्स डे क्यों मनाया जाता है, क्योंकि मेजर ध्यानचंद का उस दिन जन्मदिन होता है, दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स डे 29th ऑफ अगस्त। एंड ऑन दिस ओकेजन गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च फिट इंडिया मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। अभी फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में ज्यादा गाइडलाइंस या इस पर डिटेल नहीं आया है। प्राइम मिनिस्टर हैज सेड कि दैट विल बी डिस्कस्ड ऑन 29th ऑफ अगस्त। तो ध्यान रखेंगे हम लोग 29th ऑफ अगस्त नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन फिट इंडिया मूवमेंट लॉन्च होना है। तो इन सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया है प्राइम मिनिस्टर ने अपनी मन की बात में। एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन डिस्कस्ड फ्रॉम पीआईबी, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट पीआईबी ऑल्सो। इफ शुभम सर इज नॉट एबल टू कंप्लीट द वीडियोज, देन वी वुड ऑल्सो गिव यू द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पीआईबी ऑल्सो, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू पीवी सिंधु एंड शी हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द वर्ल्ड चैंपियनशिप इन बैडमिंटन। ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप जो बैडमिंटन में हुई है अभी बेसल स्विट्जरलैंड में, एंड दैट हैज बीन वन बाई पीवी सिंधु। एंड किसको हराया है उन्होंने, नोजोमी ओखोरा को, शी इज फ्रॉम जापान। ठीक है, एंड दिस वॉज द थर्ड टाइम शी वॉज इन द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप चैंपियनशिप्स एंड फाइनली थर्ड टाइम शी हैज गॉट लकी। तो हम लोग ध्यान रखेंगे इंडिया की तरफ से सबसे पहली महिला जिसने बैडमिंटन वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीती हो वो कौन है, पीवी सिंधु। नाउ कम टू नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू नागालैंड। एंड यहाँ पर NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, इसाक मुवैया ग्रुप, जिसके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस डील साइन करने की कोशिश कर रही है फॉर हैविंग अ पीस इन नागालैंड, तो उन्होंने अभी एक नई डिमांड रखी है कि सेपरेट फ्लैग
एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन आर द की टू पीस। अभी एक स्टेट ऐसा था जिसको हम सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन छीना है, एंड पता नहीं इन लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन जो है इनको मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड न्यूज़ है, एंड दे आर डिमांडिंग सेपरेट फ्लैग एंड सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन, एंड ये अभी देखना होगा कि वेदर दिस डिमांड इज मेट बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट और नॉट। एंड हियर वी नीड टू रिमेंबर अ फैक्ट दैट कि जो पीस प्रोसेस था उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इंटरलॉकेटर कौन थे, आर एन रवि, फॉर्मर आईबी ऑफिसर, एंड नाउ ही हैज बीन अपॉइंटेड एज नागालैंड गवर्नर। तो अभी नागालैंड के गवर्नर कौन है, आर एन रवि। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली, एंड उनकी डेथ हो गई थी 24 अगस्त को। फाइनली हैज बीन क्रीमेटेड विद द स्टेट ऑनर्स इन न्यू दिल्ली। थोड़ा सा अरुण जेटली जी के बारे में देख लेते हैं। He was the former Union Finance Minister and he also has also served as the President of Delhi District Cricket Association, able cricket administrator. He was an able lawyer, वकील तो वो बहुत अच्छे थे ही, and his politics began and at the time of emergency when he was jailed for 19 months during emergency. तो he was at that time Delhi University Students President, DUSU के President थे, and he was among the first leaders who was arrested during the emergency period. And at the time when he was Finance Minister, several important decisions were taken, बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए थे, जैसे कि डीमोनेटाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ये सारे डिसीजंस जो है वो इनके फाइनेंस मिनिस्टर रहते हुए ही लिए गए थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर अरुण जेटली के बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर न्यूज है कि एक यंग वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश हैज रिक्रिएटेड अ ब्लू व्हेल फ्रॉम बोन्स। तो उन्होंने जो है वो एक पूरा का पूरा ब्लू व्हेल का स्केलेटन बना दिया है फ्रॉम बोन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इसके बारे में। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, ब्लू व्हेल जो है इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल वन ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। अब आपसे यूपीएससी में ये नहीं पूछा जाएगा कि किसने बनाया है। ठीक है, यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपसे पूछा जा सकता है, तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सो इट इज एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। ध्यान रखिएगा, दोनों के लिए है, प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज। दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड दिस वॉज द रीजन वाई आर्टिकल 370 हैज बीन रिमूव्ड। बहुत सारे ऐसे एक्ट थे जो जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे। ठीक है, एंड यही रीजन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है कि वाई वी आर रिमूविंग द आर्टिकल 370। तो अभी ध्यान रखेंगे, दिस एक्ट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एंड अभी आज कोई कमेंट नहीं करेगा कि अभी ये लागू हो जाएगा, बिकॉज जम्मू एंड कश्मीर का जो रीऑर्गेनाइजेशन बिल है दैट विल बिकम इफेक्टिव फ्रॉम 31st of October। तो ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें 6 शेड्यूल हैं, दैट कुड बी आस्क्ड इन यूपीएससी, इट हैज 6 शेड्यूल। सो फर्स्ट शेड्यूल 1 and 2 में इट प्रोवाइड्स हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड ऑफेंसेस, अंडर दीज आर प्रेस्क्राइब्ड हाईएस्ट पेनल्टीज। तो जो शेड्यूल 1 and शेड्यूल 2 में जिन एनिमल्स या प्लांट स्पीसीज को रखा गया है उनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन मिली हुई है। शेड्यूल 3 and 4 प्रोवाइड प्रोटेक्शन बट पेनल्टीज आर मच लोअर। शेड्यूल 3 and 4 में पेनल्टीज जो हैं वो कम है। शेड्यूल 5 इंक्लूड्स एनिमल विच मे बी हंटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल हो जाता है, आपसे यूपीएससी में पूछा जा सकता है कि शेड्यूल 5 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंक्लूड्स एनिमल्स विच मे बी हंटेड। वहां पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको लगेगा कि नहीं यार, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बना है, उसमें हंटिंग की बात कैसे हो सकती है। बट रिमेंबर कि शेड्यूल 5 में उन एनिमल्स को रखा जाता है विच मे बी हंटेड, एंड शेड्यूल 6 इंक्लूड्स एंडेमिक प्लांट्स विच आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लांटिंग एंड कल्टीवेशन। तो 6th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, प्लांट्स से रिलेटेड। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के बारे में। नाउ कम टू पेज नंबर 4, एंड यहां पर हमारी न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू वेस्ट टू वेल्थ सेंटर। वेस्ट टू वेल्थ सेंटर हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन IIT दिल्ली विद द हेल्प ऑफ डेनमार्क बेस्ड फर्म। ठीक है, तो डेनमार्क की मदद से जो है IIT दिल्ली में वेस्ट टू वेल्थ सेंटर बनाया गया है। अब ये न्यूज़ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब भी पॉल्यूशन को हैंडल करने का आप लोग कोई भी सजेशन लिखे, देयर यू शुड इंक्लूड कि वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन शुड बी डन। वेस्ट से आप कैसे कुछ हेल्पफुल यूज का बना सकते हैं उसको एम्फेसाइज करना चाहिए, बिकॉज वेस्ट विल बी जनरेटेड। वेस्ट तो जनरेट होगा ही होगा, व्हाट यू डू विद द वेस्ट दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। आप वेस्ट के साथ क्या करते हैं दैट बिकम्स इंपॉर्टेंट। सो दिस इज अ वेरी गुड इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट टू एस्टेब्लिश अ वेस्ट टू वेल्थ सेंटर। अब यहां पर जो है वो ड्रेन्स से जो नालियां हैं वहां से कचरे को हटा करके उसका क्या इस्तेमाल किया जा सकता है एंड क्या यूज किया जा सकता है उसके बारे में रिसर्च की जाएगी एंड स्टडी की जाएगी। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर वेस्ट टू वेल्थ सेंटर के बारे में, दैट हैज बीन एस्टेब्लिश्ड इन IIT दिल्ली विद द डेनिश हेल्प, डेनमार्क की मदद से वहां पर बनाया गया है। नाउ कम टू पेज नंबर 7,
एंड यहाँ पर हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक न्यूज़ है डैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, कि जो साइंटिस्ट की एक टीम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च ने, दे हैव क्लेम्ड कि दे हैव डिटरमाइंड द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ MCRBC. अब MCRBC क्या है? इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल प्रोटीन विच हेल्प्स प्रिवेंट वायरल इन्फेक्शन इन अ बैक्टीरियल सेल एंड फंक्शन एज अ मॉलिकुलर सीजर. ठीक है, तो अब ये जो है एक कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल प्रोटीन है जिसके जरिए वायरल इन्फेक्शन ना फैलें, इसको यूज किया जाता है इस प्रोटीन का, एंड इट ऑल्सो एक्ट्स एज अ मॉलिकुलर सीजर. ठीक है, अब इस एक जो डेवलप किया गया है इसका फायदा क्या होगा? इट विल हेल्प इन फेस थेरेपी एंड वुड हेल्प कॉम्बेट ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शन इन द फ्यूचर. तो जो ड्रग रेजिस्टेंट हो जा रहे हैं उसको मदद करेगा, एट द सेम टाइम फेस थेरेपी में मदद करेगा. फेजेस क्या होते हैं? दे आर द ग्रुप्स ऑफ वायरसेस डेट इन्फेक्ट एंड किल बैक्टीरियल सेल्स. ठीक है, तो जो बैक्टीरिया होता है उनको मारने वाले जो वायरसेस होते हैं उनको बोला जाता है फेजेस, एंड दिस थेरेपी इज यूज फॉर बैक्टीरियोफेजेस टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब क्योंकि फेजेस जो है वो बैक्टीरियल सेल्स को खा जाते हैं, बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, तो बैक्टीरिया से रिलेटेड जो इन्फेक्शन हैं उनको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जा सकता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर MCRBC के बारे में. इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स बैक्टीरियल प्रोटीन जिसके जरिए वायरल इन्फेक्शन को ठीक करने की कोशिश की जाती है, एट द सेम टाइम इट एक्ट्स एज अ मॉलिकुलर सीजर. तो ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर MCRBC के बारे में. नाउ कम टू पेज नंबर 8. यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू प्रकाशम बराज, एंड यहाँ पर एक नाव फंस गई थी उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है. यहाँ ये UPSC में नहीं पूछा जाएगा कि नाव फंसी थी कि नहीं. प्रकाशम बराज जो है वो किस रिवर के ऊपर बिल्ट है ये देख लेते हैं हम लोग. इट इज़ बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर एंड इट कनेक्ट्स द कृष्णा एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश. ये ध्यान रखिएगा प्रकाशम बराज जो है वो कृष्णा रिवर के ऊपर बना हुआ है. कृष्णा रिवर के बारे में देख लेते हैं. इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. पहली जो है वो सबसे लार्जेस्ट कौन सी है? गोदावरी. एंड कृष्णा इज द सेकेंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर. ओरिजिन कहाँ है इसका? महाबलेश्वर इन सह्याद्री और जोर विलेज सतारा महाराष्ट्र. लेंथ कितनी है? 1400 किलोमीटर. गोदावरी की लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर. इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं कृष्णा की? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा एंड पंचगंगा. ऑल दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ कृष्णा. अब स्टेट्स किन किन स्टेट से पास होती है ये? महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना एंड आंध्र प्रदेश. एंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल. इसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट डैम्स प्रकाशम बराज के अलावा बिल्ट हैं डेट आर अलमाटी डैम, श्रीशैलम डैम एंड नागार्जुना सागर डैम. UPSC कई बार आपसे मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है कि कौन सा डैम किस रिवर के ऊपर है. सो रिमेंबर, अलमाटी डैम, श्रीशैलम डैम, नागार्जुना सागर, प्रकाशम बराज, ऑल आर बिल्ट ऑन द कृष्णा रिवर. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर कृष्णा रिवर के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज. एंड यहाँ पर जो हमारी न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू सरदार सरोवर डैम. एंड सरदार सरोवर डैम हमारा जो है वो नर्मदा रिवर के ऊपर बिल्ट है. एंड न्यूज़ ये है कि वाटर लेवल हैज़ राइजन इन द सरदार सरोवर डैम, एंड इसके कारण धार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव जो है वो पानी में डूब रहा है. अब सरदार सरोवर डैम ध्यान रखेंगे हम लोग किस रिवर पे है? नर्मदा रिवर पे. नर्मदा रिवर के बारे में देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा. इट इज़ वन ऑफ द मेजर वेस्ट फ्लोइंग रिवर. इंडिया की जो मेन रिवर्स हैं दे ऑल आर ईस्ट फ्लोइंग. ज़्यादातर रिवर जो है वो हमारी ईस्ट फ्लोइंग है, लेकिन नर्मदा अलॉन्ग विद तापी इज़ वन ऑफ द टू बिग रिवर्स जो कि वेस्ट साइड में फ्लो करती हैं एंड दे मेक एस्चुरीज. हमारी जो ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं ऑल ऑफ देम मेनली मेक्स डेल्टा. ज़्यादातर जो है वो डेल्टा बनाती हैं, लेकिन नर्मदा एंड तापी वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं एंड दे फॉर्म एस्चुरीज. आपसे मेंस में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईस्ट फ्लोइंग एंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स. एंड नर्मदा का जो ओरिजिन है डेट इज इन द अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश एंड इन द अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश. तो जो अमरकंटक का नर्मदा कुंड है वो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में. एंड रिमेंबर कि नर्मदा रिवर फ्लोज थ्रू रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा इन द साउथ एंड विंध्यन रेंज इन द नॉर्थ. एंड जो इससे ऊपर इंपॉर्टेंट फॉल है डेट इज धुआंधार फॉल विच इज लोकेटेड इन जबलपुर. एंड जो इन स्टेट से पास होती है नर्मदा वो कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, गुजरात एंड महाराष्ट्र. इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं नर्मदा की? शेर, शक्कर, दूधी, तवा, गंजल एंड टेंडोनी, बारना एंड कोलार. दीज ऑल आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा. अब इस पर इंपॉर्टेंट कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं? इंदिरा सागर, ओमकारेश्वर, माहेश्वर, बरगी एंड तवा. ऑल आर द प्रोजेक्ट्स बिल्ट ऑन द नर्मदा रिवर. तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर नर्मदा रिवर के बारे में.
Now come to next news, and next news is related to our favorite topic, National Green Tribunal. And National Green Tribunal ने अभी जिन स्टेट से यमुना पास होती है उनको बोला है कि they should give a clear timeline for the cleaning of यमुना रिवर. तो यमुना रिवर कितने टाइम में और कैसे क्लीन की जाएगी उसकी डिटेल हर स्टेट गवर्नमेंट को देनी है जहां से यमुना पास होती है. अब पिछले 30 सालों से यमुना की सफाई नहीं हो पा रही है. नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज सेड कि दिस इज वेरी बैड थिंग. ये बहुत ही खराब स्थिति है एंड इसके कारण जो लोगों की हेल्थ के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है. इसके अलावा यमुना जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, एंड अगर गंगा को साफ करना है तो यमुना का साफ होना जरूरी है. ऑल दीज थिंग्स हैव बीन सेड बाय द एनजीटी एंड दे हैव डिमांडेड अ क्लियर टाइमलाइन फॉर क्लीनिंग ऑफ यमुना रिवर. अब थोड़ा सा एनजीटी के बारे में देख लेते हैं. एनजीटी हमारा जो है वो 2010 में बना था आफ्टर द नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एक्ट ऑफ 2010. एंड किस लिए बना था? इसका पर्पस था फॉर प्रोवाइडिंग पीपल विद द राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट. दूसरा था कि जो एनवायरमेंट से रिलेटेड केसेस आते हैं उनको स्पीडली डिस्पोज ऑफ किया जा सके. एनजीटी का जो चेयरमैन होता है दैट इज रिटायर्ड चीफ जस्टिस, रिटायर्ड जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. अभी चेयरमैन कौन है? जस्टिस रिटायर्ड आदर्श कुमार गोयल. एंड रिमेंबर इंडिया वॉज द थर्ड कंट्री टू हैव सच एन एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल. इंडिया से पहले ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड हैव द एनवायरमेंटल ट्राइब्यूनल. इसके अलावा एनजीटी में एक चीज ध्यान रखिएगा, NGT is bound by the principle of natural justice. NGT में जो है वो natural justice का ध्यान रखा जाता है principles का, and it is not bound by the code of civil procedure 1908. ठीक है, इसके अलावा यमुना रिवर के बारे में हम लोग देख लेते हैं. यमुना रिवर, यमुना का जो origin है that is from यमुनोत्री ग्लेशियर. एंड यमुनोत्री ग्लेशियर जो है हमारा किन पीक्स के पास है? बांडेर पुंछ पीक्स. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा जो यमुना की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है टोंस. इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं यमुना की, गिरी, हिंडोन, बेतवा, ढसान, केन, सिंध एंड रिवर चंबल. अभी हम लोग रिवर्स के बारे में इतना सब कुछ डिस्कस करते रहते हैं डेली कि आपका जो थर्ड चैप्टर है 11th क्लास की एनसीईआरटी में ड्रेनेज सिस्टम दैट इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड. वहां पर आप उसको एक बार जाकर के देखें एंड यू विल फाइंड कि हमने बहुत सारी रिवर सिस्टम्स को बहुत बार रिवाइज भी कर लिया है, तो ये ध्यान रखिएगा. इसके अलावा यहां पर रामगंगा का जिक्र हुआ है. रामगंगा रिवर के बारे में ध्यान रखेंगे कि इट इज एन इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा. रामगंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा की. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर पाकिस्तान की एक नापाक हरकत के बारे में डिस्कस किया गया है कि पाकिस्तान ने जो सतलज रिवर का पानी था वो ज्यादा छोड़ दिया है इंडिया की तरफ, एंड बिकॉज ऑफ दैट फ्यू विलेजेस इन पंजाब फिरोजपुर आर फेसिंग फ्लड. फिरोजपुर के कुछ गांवों में जो है वो बाढ़ आ गई है क्योंकि पाकिस्तान ने ज्यादा पानी सतलज रिवर का इधर साइड छोड़ दिया. अब यहां पर हम लोग सतलज रिवर के बारे में देख लेते हैं. इसका ओरिजिन कहां है? रकास लेक नियर मानसरोवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 4555 मीटर इन तिब्बत. एंड तिब्बत में सतलज रिवर को लांगचेन खाम्भब के नाम से जाना जाता है. एंड दिस रिवर फ्लोज पैरेलल टू द इंडस फॉर अबाउट 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया एंड कम्स आउट ऑफ अ गॉर्ज एट रूपर. अब सतलज जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस की, लेकिन जब ओरिजिन होता है दोनों रिवर का, एंड सतलज एंड इंडस बोथ हैव ओरिजिन इन तिब्बत, देन सतलज फ्लोज 400 किलोमीटर ऑलमोस्ट पैरेलल टू इंडस एंड इट पासिस थ्रू सिपकिला ऑन द हिमालयन रेंजेस एंड एंटर्स द पंजाब प्लेन्स. अब सतलज जो है इट इज एन एंटीसीडेंट रिवर. ये एंटीसीडेंट रिवर है एंड इट फीड्स द भाखरा नंगल प्रोजेक्ट. तो भाखरा नंगल प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर पर बेस्ड है? दैट इज बेस्ड ऑन सतलज रिवर. अब सतलज के अलावा कौन कौन सी एंटीसीडेंट रिवर्स हैं हमारी? इंडस, सतलज, अलकनंदा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, दे ऑल हैव एन एंटीसीडेंट ओरिजिन. अब एंटीसीडेंट रिवर को आपको समझना है तो पहले एंटीसीडेंस को समझना होगा. एंटीसीडेंस का मतलब होता है कि रिवर्स वर एग्जिस्टिंग बिफोर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द हिमालयस. हिमालयस के अपलिफ्टमेंट से पहले भी ये सारी रिवर्स थी एंड आफ्टर द अपलिफ्टमेंट ऑफ हिमालयस दीज रिवर्स वर एबल टू मेंटेन देयर कोर्स बाई कटिंग हिमालयस. हिमालयस को काट काट करके भी इन रिवर्स ने अपना सेम कोर्स मेंटेन रखा है एंड ऑल दीज रिवर्स आर नोन एज इस एक प्रोसेस को जिसके जरिए रिवर्स अपना सेम कोर्स मेंटेन कर लेती हैं इवन आफ्टर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द माउंटेन्स. दैट प्रोसेस इज नोन एज एंटीसीडेंस. उस प्रोसेस को एंटीसीडेंस बोलते हैं एंड उन रिवर्स को जो रिवर्स एंटीसीडेंस करती हैं दैट आर नोन एज एंटीसीडेंट रिवर्स. ध्यान रखेंगे हम लोग कि हिमालयस के अपलिफ्टमेंट से पहले के कोर्स को अगर रिवर्स बाद में भी मेंटेन कर लेती हैं बाई कटिंग डाउन द हिमालयस देन दोज रिवर्स आर नोन एज एंटीसीडेंट रिवर्स. एंड यहां पर इंडिया में सतलज के अलावा कौन कौन सी एंटीसीडेंट रिवर है? इंडस, अलकनंदा, गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्रा, दे ऑल हैव एंटीसीडेंट ओरिजिन. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम. अब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट ने
एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को वेरीफाई करने का काम, सर्टिफाई करने का काम किसको दिया है? काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली। तो जो CSIR की लैब है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली, उनको काम दिया गया है कि दे विल सर्टिफाई द एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, अब ये क्यों प्लांट किए जाएंगे? बिकॉज ऑफ द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम। अब नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम क्या है हमारा, उसके बारे में देख लेते हैं। इट इज अ पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। ठीक है, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम जो है वो पॉल्यूशन कंट्रोल इनिशिएटिव है। किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसमें टारगेट क्या है? टारगेट इज टू कट द कंसेंट्रेशन ऑफ PM10 एंड PM2.5 बाई एटलीस्ट 20% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो इसमें दो पॉल्यूटेंट्स को टारगेट किया गया है, PM10 को एंड PM2.5 को, एंड इनका जो लेवल है डेट हैज़ टू बी रिड्यूस्ड बाई 20% इन द नेक्स्ट 5 ईयर्स, एंड 5 ईयर्स 2019 से 2024, एंड इसके बाद हर 5 साल में रिव्यू किया जाएगा कि क्या सिचुएशन है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग, इसको 102 सिटीज़ में लॉन्च किया गया है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं चिल्ड्रन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, बट स्टिल वी आर सीइंग कि चाइल्ड लेबर जो है वो हो रहा है। गवर्नमेंट का इटसेल्फ सर्वे हैज फाउंड कि अराउंड 5000 चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स ने एजुकेशन छोड़ दी है झारखंड एंड बिहार के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड दे आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबर। एंड क्या काम कर रहे हैं? माइका का जो माइका की जहां माइनिंग होती है वहां पर जो वेस्ट बच जाता है उसके अंदर से वो लोग सर्च करते हैं एंड माइका निकाल कर कलेक्ट करके उसको बेचने की कोशिश करते हैं। एंड ऑब्वियसली ऑल दोज फैमिलीज आर वेरी पुअर फैमिलीज, एंड हेंस दे थिंक कि एजुकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेदर बच्चे अगर जो कमा करके लाते हैं वो कमाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को ही क्यों सर्वे में रखा गया? बिकॉज ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट। हमारा जो राइट टू एजुकेशन एक्ट है डैट कवर्स द चिल्ड्रन फ्रॉम 6 to 14 ईयर्स, एंड इट इज फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट और वार्ड। हर एक पेरेंट या जो भी गार्जियन है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी ड्यूटी है कि वो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजे। सो रिमेंबर दिस थिंग कि ये जो ड्यूटी है डेट वॉज एडेड थ्रू 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग कि एक फंडामेंटल ड्यूटी है हर पेरेंट्स की, वो 6 साल से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ने के लिए भेजें। एंड हियर जो एक सर्वे कराया है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने, NCPCR ने, दे हैव फाउंड के अराउंड 5000 चिल्ड्रन आर नॉट गोइंग टू स्कूल, रेदर दे आर वर्किंग। ठीक है, अब माइका के बारे में देख लेते हैं। इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका। तो ये ध्यान रखिएगा, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका, एंड जो दो स्टेट्स बहुत ज्यादा माइका में कंट्रीब्यूट करते हैं डेट आर झारखंड एंड बिहार। एंड माइका का यूज कहाँ, किस इंडस्ट्रीज में होता है? दे आर यूज्ड, माइका इज यूज्ड इन बिल्डिंग्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड इट इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉस्मेटिक्स एंड पेंट। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग माइका के बारे में। यहाँ पर एक बॉडी मेंशनड है NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, इसके बारे में देख लेते हैं। सो ये कैसी बॉडी है? स्टेचुरी बॉडी है। ठीक है, इसके लिए जो एक्ट है वो कौन से किस एक्ट में बनी थी? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट एक्ट 2005। तो स्टैचुरी बॉडी है, एक्ट कौन सा है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट ऑफ 2005। एंड इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। काम करना इसने कब से शुरू किया था? 2007 से। इसका बेसिक जो काम है कि जो भी लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स हैं वो जो चाइल्ड से रिलेटेड, उनको इंप्लीमेंट करना, एंड ये इंश्योर करना कि वो सही तरीके से इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं या नहीं। NCPCR के हिसाब से चाइल्ड कौन है? 18 साल तक के जो लोग हैं, दे ऑल आर कंसीडर्ड एज चाइल्ड एज पर द NCPCR। ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के बारे में, माइका प्रोडक्शन के बारे में। एट द सेम टाइम चाइल्ड लेबर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहां पर आप इस फैक्ट को कोट कर सकते हैं कि NCPCR का खुद का सर्वे, गवर्नमेंट एजेंसी का सर्वे बताता है कि अराउंड 5000 चिल्ड्रन इन 3 districts ऑफ बिहार एंड झारखंड आर नॉट गोइंग टू स्कूल, रेदर दे आर वर्किंग एज चाइल्ड लेबर। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इस न्यूज से। नाउ कम टू द एडिटोरियल पेज, एंड एडिटोरियल पेज पे हमारा जो सबसे पहला एडिटोरियल है दैट इज ऑन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया सपोर्टिंग द गवर्नमेंट इन इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन कम्युनिकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर। तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल हुई थी गवर्नमेंट के खिलाफ कि कम्युनिकेशंस को जम्मू एंड कश्मीर में क्यों बंद किया गया है, उसे नहीं करना चाहिए था,
तो उसके लिए प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि उनको भी सुना जाए। एंड यहां पर प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का स्टैंड ये है कि जहां पर भी अगर स्टेट सिक्योरिटी की बात आती है या नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वहां पर मीडिया को सेल्फ रेगुलेशन करना चाहिए एंड दे शुड नॉट पब्लिश दोज आर्टिकल्स, उन आर्टिकल्स को नहीं पब्लिश करना चाहिए जिसके कारण स्टेट की सिक्योरिटी के ऊपर असर पड़ सकता है, एंड विच कुड एडवर्सली अफेक्ट द स्टेट सिक्योरिटी। ये प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है। अब हिंदू में एडिटोरियल का क्या कहना है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इज ऑन द रॉन्ग साइड। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो बेसिक काम है वो प्रेस की फ्रीडम को बचाना है, ना करके उसके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं उनको सपोर्ट करे गवर्नमेंट के साथ मिलकर के। ये एडिटोरियल का कहना है। एंड एडिटोरियल सेज दैट कि पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगने लगा है कि एंड फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया इज अ थ्रेट टू ओपन सोसाइटी, जबकि फ्री एंड इंडिपेंडेंट मीडिया के कारण आपको लोगों को खबर मिलती है, लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्टिंग क्या है। एंड एडिटोरियल का कहना है कि ट्रूथफुल रिपोर्टिंग इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन। जो ट्रूथफुल रिपोर्टिंग होती है जिसके जरिए लोगों का एक्चुअल कंडीशन किसी भी एरिया की, चाहे वो कितनी भी खराब हो, वो पता चलती है, उसके जरिए लोगों का ज्यादा भला होता है, बजाय इसके कि आप रिपोर्ट्स को सप्रेस करें और लोगों को पता ही ना चले कि किस एरिया में क्या हो रहा है। एंड अब ऑब्वियसली ये जो रेफरेंस है दैट इज टू द जम्मू एंड कश्मीर, वहां पर मीडिया के ऊपर जो कर्ब लगाए गए हैं उसके कारण ये सारा कुछ बवाल मचा हुआ है। एंड एडिटोरियल ने सजेस्ट किया है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को इंश्योर करना चाहिए कि जो जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड्स, जो पत्रकारिता का स्तर है जो गिर रहा है, उसको कैसे मेंटेन किया जाए, एंड इट शुड सपोर्ट द ट्रूथफुल रिपोर्टिंग रैदर देन साइडिंग विद द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट के साथ साइड करने से अच्छा है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो जो ट्रूथफुल रिपोर्टिंग है एंड एथिकल रिपोर्टिंग है उसको सपोर्ट करे। अब प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो ध्यान रखिएगा, इट इज अ स्टेचुरी बॉडी एंड इट गवर्न्स द कंडक्ट ऑफ द प्रिंट मीडिया। तो प्रिंट मीडिया को के कंडक्ट को गवर्न करने वाली बॉडी है प्रेस काउंसिल एंड इट इज अ स्टेचुरी बॉडी। नाउ कम टू द लीड आर्टिकल, एंड लीड आर्टिकल में जो है वो इट इज अबाउट मिस यूज ऑफ द आर्टिकल 356। जो आर्टिकल 356 का मिस यूज किया गया है एंड उसके जरिए और क्या क्या किया जा सकता है और कैसे उसको अब्यूज किया जा सकता है, इसके बारे में पूरा का पूरा आर्टिकल लिखा गया है। अब आर्टिकल 356 के मिस यूज को समझना है तो पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आर्टिकल 356 है क्या। आर्टिकल 356 को आसान भाषा में जो है वो प्रेसिडेंट रूल बोला जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जब सेंट्रल इफ प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में लगता है वो किस आर्टिकल के अंदर लगता है, आर्टिकल 356। अब आर्टिकल 356 में लिखा क्या है वो पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। इफ द प्रेसिडेंट ऑन रिसीप्ट ऑफ रिपोर्ट फ्रॉम द गवर्नर ऑफ द स्टेट और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देन ही कुड इम्पोज सेंटर्स रूल ओवर देयर। तो आर्टिकल 356 में सिंपल में ये मेंशन है कि अगर गवर्नर की रिपोर्ट या गवर्नर की रिपोर्ट के बिना भी प्रेसिडेंट को ये लगता है कि किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं फंक्शन कर रही है या नहीं उस वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का पालन नहीं हो रहा है, तब वहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। एंड अंडर दिस प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद क्या होता है, सारी की सारी जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है दैट इज एज्यूम्ड बाय द सेंटर, एज्यूम्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड इनडायरेक्टली बाय द सेंटर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आर्टिकल 356 के बारे में। अब इसका मिसयूज कहाँ किया गया है, ऑथर का ऐसा मानना है कि इसका जो मिसयूज है दैट हैज बीन डन इन द केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया गया है उसमें प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज किया गया है। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है प्रेसिडेंट रूल में था फॉर द लास्ट 6 मंथ्स एंड यहां पर जो अमूमन जो जब भी किसी स्टेट की बाउंड्री बदली जाती है या उसका नाम बदलना है या कुछ भी उसके अंदर चेंज लाना है तो उसकी जम्मू कश्मीर के असेंबली से पूछना पड़ता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेलिब्रेटली क्या किया कि पहले वहां प्रेसिडेंट रूल लगाया एंड प्रेसिडेंट रूल के बाद क्या हुआ, जो भी एडवाइस या जो भी सलाह मांगी जानी थी या जो भी वहां से एडवाइस आनी थी जम्मू कश्मीर से, वो सब की पावर किसके पास चली गई, गवर्नर के पास। अब ऑथर का कहना है कि अगर वहां पर कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट होती तो उसने ऐसा कोई भी एडवाइस नहीं दी होती जिसका कि जैसा कि एडवाइस गवर्नर ने दिया है। तो एक तरह से ये जो है आप अगर कोई काम डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं तो गवर्नमेंट हैज डन इट इनडायरेक्टली एंड दिस हैज बीन हाइलाइटेड बाय द ऑथर कि ये जो है वो मिसयूज किया गया है। एंड ऑथर हैज सेड कि इसका फर्दर मिसयूज कैसे किया जा सकता है कि अगर मान लीजिए जैसे कोई सेंटर स्टेट गवर्नमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ केस फाइल करती है आर्टिकल 131 में सुप्रीम कोर्ट में एंड सेंटर को लगता है कि वो केस हार जाएंगे, तब वहां पर सेंटर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट रूल इम्पोज कर दे एंड फिर गवर्नर के जरिए उस केस को वापस ले ले। तो एक तो ये मिसयूज कर सकते हैं। सो यू पीपल कुड हाईलाइट कि यहां पर जम्मू कश्मीर का जो इशू है वो सिर्फ आर्टिकल 370 खत्म करने से नहीं है, वो तो आप अगर आपका पॉलिटिकल कमिटमेंट था वो आप कर सकते हैं,
सकते हैं, बट पॉइंट इज कि वेदर प्रोसेस हैज बीन फॉलोड और नॉट। इन अ डेमोक्रेसी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज प्रोसेस एंड कॉन्स्टिट्यूशन, वेदर कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी के साथ आपने किया उस काम को या नहीं किया, ठीक है। तो वहां पर यही सारी चीजें ऑथर ने हाईलाइट की है। दूसरा जो है, अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसमें स्टेट गवर्नमेंट्स की जरूरत है एंड वहां पर स्टेट गवर्नमेंट उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, तो उन सारे स्टेट्स में प्रेसिडेंट रूल लगा करके फिर सेंट्रल गवर्नमेंट उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी पास करा सकती है गवर्नर के साथ मिल करके। इसके अलावा जो है, अगर किसी स्टेट को मान लीजिए और भी किसी स्टेट की बाउंड्रीज बदलनी है, तो वहां पर भी स्टेट असेंबली को डिसॉल्व करके गवर्नर प्रेसिडेंट्स रूल लगा करके इसको किया जा सकता है। एंड एट द सेम टाइम जो स्टेट के लिस्ट है, जो स्टेट लिस्ट है, वहां से भी अगर कुछ किसी सब्जेक्ट को ट्रांसफर करना है यूनियन लिस्ट में, तो प्रेसिडेंट रूल लगा करके इसको भी किया जा सकता है। तो ये सारी कंडीशंस हैं जहां पर प्रेसिडेंट रूल का मिसयूज किया जा सकता है। अब सजेशन क्या दिया है यहां पर ऑथर ने कि आर्टिकल 356 में जो है वो हमको जरूरत है सेंटर के पावर को लिमिट करने की, सेंटर के पावर को लिमिट किया जाए कि वो अगर इलेक्टेड असेंबली नहीं है स्टेट्स में, देन इट कुड टेक ओनली अंडरटेक रूटीन गवर्नेंस, जो रूटीन गवर्नेंस के इश्यूज हैं उन्हीं को डील कर सके, ना कि ऐसे पॉलिसी डिसीजंस ले सके जिसके कारण लॉन्ग टर्म इंपैक्ट होगा। एंड अब यहां पर क्या होता है कि अगर आप स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं आर्टिकल 356 का यूज करके, तो एक तरह से फेडरलिज्म को अंडरमाइन किया जाता है। अब स्टेट्स को सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि दे आर नॉट मियर अपेंडेज टू द सेंटर, दे आर सोवरीन इन देयर ओन स्फीयर, वो अपने आप में स्वायत्त हैं, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट हैं, उनकी अपनी एग्जिस्टेंस है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो इसको सेंट्रल गवर्नमेंट को मिसयूज नहीं करना चाहिए, ऐसा ऑथर का कहना है। तो ये ध्यान रखिएगा यहां पर इस आर्टिकल से। नाउ कम टू द नेक्स्ट आर्टिकल, एंड नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू राइट टू प्राइवेसी। एंड यहां पर ऑथर ने हाईलाइट किया है कि 2 साल हो गए केएस पुट्टुस्वामी केस को, उसके बाद भी प्राइवेसी के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, एंड इवन स्टेप्स आर टेकन, ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिसके कारण जो हमारा राइट टू प्राइवेसी है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है। अब राइट टू प्राइवेसी के बारे में जान लीजिए कि 2 साल पहले इसी महीने में सुप्रीम कोर्ट की जज नाइन जजेस जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी, दे हैव सेड कि राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज अ नेचुरल राइट दैट इनहेयर्स इन ऑल नेचुरल पर्सन, सभी लोगों के पास जो भी नेचुरल लोग हैं उनको राइट टू प्राइवेसी का हक है, एंड इट इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। एंड किन सुप्रीम कोर्ट ने खुद ने 3 conditions मेंशन की हैं जिसमें प्राइवेसी को करटेल या कुछ हद तक कम किया जा सकता है। पहला है थ्रू लेजिस्लेटिव मैंडेट, अगर आप प्रॉपर लॉ लाते हैं उसके जरिए। सेकंड इज लेजिटिमेट स्टेट पर्पज, अगर स्टेट का कोई लेजिटिमेट पर्पज सर्व होता है, जैसे आपको किसी को बेनिफिट देना है या कैश ट्रांसफर करना है, वहां पर आप उसको कम कर सकते हो, एंड प्रपोर्शनेट तरीके से उसको कम किया जाना चाहिए। ऑथर का कहना है कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टू स्ट्रेंथन द प्राइवेसी, गवर्नमेंट को अभी एक्सपेक्ट किया गया था कि जैसे आपने ट्रिपल तलाक वाले केस में एक एक्ट लेकर के आए हैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद, उसी तरह से गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट किया गया था कि आप प्राइवेसी को लेकर के भी एक्ट लेकर के आएंगे, एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए जाएंगे जिसके जरिए जो सिटीजन्स हैं उनकी प्राइवेसी को स्ट्रेंथन किया जा सके, एंड लोगों की जो सर्विलियंस है उसको कम किया जा सके, या फिर जो सर्विलियंस प्रोजेक्ट्स आपके चल रहे हैं उनमें ट्रांसपेरेंसी आएगी। लेकिन हुआ ऐसा कुछ नहीं, इसका अपोजिट हुआ है, गवर्नमेंट ने जो है वो सिटीजन्स का डाटा और ज़्यादा कलेक्ट किया है और सर्विलियंस प्रोजेक्ट्स को बढ़ा दिया है। एंड जैसा कि एग्जांपल दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने लास्ट दिसंबर में 10 सेंट्रल एजेंसीज को ऑथराइज किया था कि टू इंटरसेप्ट मॉनिटर एंड डिक्रिप्ट एनी इंफॉर्मेशन जनरेटेड ट्रांसमिटेड रिसीव्ड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर इन द कंट्री। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग ने जुलाई में पिछले साल एक टेंडर लाया था सोशल मीडिया मॉनिटरिंग हब के लिए, जिसके जरिए जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं सोशल मीडिया में उसके ऊपर नजर रखी जा सके। अब ऑब्वियसली गवर्नमेंट यही बोलती है कि ये सिक्योरिटी के लिए किया जा रहा है, लेकिन जो रियल पर्पज होता है वो हमेशा ये होता है कि अपोजिशन को कैसे टारगेट किया जाए, या जो गवर्नमेंट का अपोजिशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी अपना प्रोजेक्ट इनसाइट लॉन्च किया था इसी तरह के मास सर्विलेंस की तरह। एंड ऑथर हैज सेड कि होना यह चाहिए था कि राइट टू प्राइवेसी को एक राइट की तरह देखा जाना चाहिए था, बट गवर्नमेंट इज सीइंग राइट टू डाटा कलेक्शन, वो अपने डाटा कलेक्शन में इन्वॉल्व है। एंड इस ईयर का जो इकोनॉमिक सर्वे आया था, देयर ऑल्सो गवर्नमेंट हैज हाईलाइटेड कि कैसे उन्होंने डेटा कलेक्ट किया एंड उसको मोनेटाइज किया। जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट में हमारा वाहन से व्हीकल से रिलेटेड जो डेटा था, दैट हैज बीन सोल्ड टू अदर कंपनीज, उनको कंपनीज को बेचा गया एंड उसके जरिए पैसा कमाया गया। तो एक तरह से यह समझ आता है कि गवर्नमेंट की अप्रोच क्या है,
सिटीजन का डेटा कलेक्ट करिए एंड उसको सेल करके पैसा कमाइए। एंड ऑथर का कहना है दिस इज नॉट अ राइट थिंग। अब क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को जो है डेटा प्रोटेक्शन के लिए एक लेजिस्लेशन लाना चाहिए, इसके अलावा जो सर्विलियंस के प्रोजेक्ट है उनके लिए जुडिशियल ओवरसाइट का इंतजाम करना चाहिए। तो ये चीजें हाईलाइट की हैं ऑथर ने। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन ऑफ रूपी, जो रुपए में गिरावट आ रही है उससे रिलेटेड ये न्यूज है। एंड इन द लास्ट वन मंथ, पिछले एक महीने में रूपी में 4% की गिरावट देखी गई है। एंड ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडियन रूपी गिर रहा है, इसके अलावा भी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं एशिया की बहुत सारी इकोनॉमीज हैं जहां पर गिरावट देखी जा रही है। तो यहां पर एडिटोरियल में हाईलाइट किया है कि टर्किश लीरा, ब्राजीलियन रियल, साउथ अफ्रीकाज रांड एंड मैक्सिकन पीसो, दे ऑल हैव लॉस्ट वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। तो यहां पर एक तरीके से हमने करेंसी भी देख ली, टर्की की करेंसी क्या है लीरा, ब्राजील की करेंसी क्या है रियल, साउथ अफ्रीका की करेंसी क्या है रांड एंड मैक्सिको की करेंसी क्या है पीसो, एंड दे ऑल हैव लॉस्ट द वैल्यू अगेंस्ट द डॉलर। और इसके शुरुआत कहां से हुई थी, जब चाइना ने अपना युआन जो है वो उसको जानबूझ करके डिवैल्यू कर दिया एट बिलो 7 पर डॉलर। इससे पहले युआन जो है 7 डॉलर से नीचे तब कब गया था, जब इन द 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, एंड दिस हैज ट्रिगर द डिवैल्यूएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ इमर्जिंग इकोनॉमी करेंसी। तो यहां पर इंडिया के लिए कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, बिकॉज हमारा जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम है, एंड एट द सेम टाइम जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं दैट इज एट ऑल टाइम हाई ऑफ $430 बिलियन, ठीक है। तो उसमें हमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंड दिस इज द रीजन वाई RBI हैज नॉट इंटरवीन। एंड बहुत सारे ऐसे इकोनॉमिस्ट हैं जिनका ये मानना है कि अभी भी रूपी जो है वो हाईली अप्रिशिएटेड है, वो अप्रिशिएटेड है, एंड उसको फ्री मार्केट में अगर रखा जाए तो उसमें और ज्यादा गिरावट आ सकती है, एंड ये जो डिप्रिशिएशन हुआ है उसके कारण हमारे एक्सपोर्ट्स को फायदा होगा। ये सारी चीजें इस एडिटोरियल में हाईलाइट की गई हैं, एंड सजेस्ट किया गया है कि अभी जो डिप्रिशिएशन देखा जा रहा है उसके कारण परेशान होने की जरूरत नहीं है। नाउ कम टू द ऑपेड पेज, एंड यहाँ पर जो हमारी पहला आर्टिकल है डेट इज रिलेटेड टू कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन केरला। केरला में अभी 2 साल से लगातार फ्लड आ रहा है, एंड पिछले साल जो फ्लड आया था तब ये उम्मीद की गई थी कि 100 सालों में एक बार ऐसा होता है, एंड फिर ये उम्मीद टूट गई। इस साल भी जब फ्लड्स आए तो लैंडस्लाइड्स एंड इसके कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ऑथर ने यहाँ पर सजेस्ट किया है कि बहुत कुछ स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑथर जो है वो माधव गाडगिल हैं एंड इन्होंने वेस्टर्न घाट इकोलॉजी प्रोजेक्ट से रिलेटेड बहुत सारी रिकमेंडेशंस दी थी। तो ऑथर का कहना है कि उन सारी रिकमेंडेशंस को माना जाना चाहिए, एंड क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए कुछ स्टेप्स उन्होंने हाईलाइट किए हैं। तो सबसे पहला स्टेप उन्होंने हाईलाइट किया है कि जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड प्रोटेक्शन लॉज हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए और उनको फॉलो किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो पावर्स हैं कि डिसास्टर को कैसे मैनेज किया जाए उसको ग्राम सभा लेवल पे या वार्ड ग्राम सभा लेवल पे डिवॉल्व करना चाहिए, एंड जो लोकल अथॉरिटीज हैं उनको पावर देनी चाहिए कि वो उन डिसास्टर्स के साथ कैसे डील करना चाहते हैं या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए उन डिसास्टर्स के साथ डील करने को, उसकी पावर ग्राम सभा के पास देना चाहिए। इसके अलावा ऑथर ने सजेस्ट किया है कि अभी जो हमारी अप्रोच है डेवलप रेकलेसली एंड कंजर्व थॉटलेसली, इस पैटर्न को बदल करके डेवलप सस्टेनेबली एंड कंजर्व थॉटफुली, इन चीजों को इसको फॉलो करना चाहिए। तो आपसे आप लोग इस कोटेशन का यूज भी कर सकते हैं अपने आंसर्स में कि व्हाट वी आर डूइंग टुडे इज डेवलप रेकलेसली एंड कंजर्व थॉटलेसली। तो ये आपसे ऐसे में भी पूछा जा सकता है, सेम इतना ही लिख करके आपसे ऐसे भी लिखवाया जा सकता है कि डेवलप रेकलेसली एंड कंजर्व थॉटफुली, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डेवलपिंग रेकलेसली एंड कंजर्विंग थॉटलेसली वी शुड गो फॉर डेवलप सस्टेनेबली एंड कंजर्व थॉटफुली। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप डेवलपमेंट में आप जो भी एनवायरमेंट है आप उसको डिस्टर्ब करते जा रहे हैं एंड कंजर्वेशन जो है आप बिना सोचे समझे कर रहे हैं। तो आपको क्या करना चाहिए, डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब कि फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी आपका कुछ बचा रहे एट द सेम टाइम एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट रहे। इसके अलावा उन्होंने सजेस्ट किया है कि लोकल अथॉरिटीज के पास पावर होनी चाहिए कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ऑपरेशनल करने का। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहां पर इस न्यूज से। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहां पर हाईलाइट किया गया है इंपॉर्टेंस ऑफ गुड डेटा। तो अगर डेटा आपका अच्छा हो तो उसके कारण उसका फायदा जो है यहां पर हाईलाइट किया गया है। अब ऑब्वियसली डेटा के साथ प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ डाटा। पहले तो यह है कि डेटा होगा ही नहीं। ऑथर ने हाईलाइट किया है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की अगर आप साइट पर जाएं तो वहां पर या कि आज कितना हुआ है
और या कि फिर पिछले सालों में कितना हुआ, तो उस बारिश का डेटा मिलता है। लेकिन जो लोकल डेटा होना चाहिए कि किस एरिया में कितनी बारिश हुई या कितनी हो सकती है, उसका डेटा वहाँ की वेबसाइट में नहीं मिलता है। इसके अलावा जो दूसरा इशू है डेटा के साथ इंडिया में, वो है आउटडेटेड डेटा का, कि 2011 में सेंसस हुआ था और 8 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, ठीक है। उसका जो रेगुलर अपडेशन होना चाहिए वो नहीं होता है, एंड डेटा इज नॉट बीइंग अपडेटेड रेगुलरली। इसके अलावा प्रॉब्लम एक और हाईलाइट किया है यहाँ पर ऑथर ने, कि नॉट गिविंग फुल डेटा। अब पार्लियामेंट में जैसे आप क्वेश्चन पूछिए अगर कि स्किल से रिलेटेड जो डेटा है उसमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर नेशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में बताया जाता है। अगर स्किल से रिलेटेड आप डेटा पूछिए तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के बारे में बताया जाएगा। एंड अगर आप स्टार्टअप्स के बारे में पूछिए तो जिन स्टार्टअप्स का फायदा सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टार्टअप इंडिया स्कीम में जिन्होंने फायदा उठाया, सिर्फ उनके बारे में डेटा दिया जाता है। अब इनकम्प्लीट डेटा होने के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि आपको पिक्चर क्लियर नहीं हो सकती। अब जैसे यहाँ पर ऑथर ने हाईलाइट किया है कि उत्तराखंड के एक डिस्ट्रिक्ट उत्तराकाशी में जब पता किया गया तो वहाँ पर 133 ऐसे विलेजेस थे, 133 विलेजेस वर देयर, जहाँ पर एक भी लड़की का जन्म पिछले 3 महीने में नहीं हुआ था। अब ये डेटा अगर कोई हाईलाइट कर दे तो दूसरा एक डेटा ये भी आया था कि 129 विलेजेस वर देयर, जहाँ पर पिछले 3 महीने में एक भी लड़के का भी जन्म नहीं हुआ था। तो इसलिए जब भी आप डेटा देखें और जब भी डेटा प्रोवाइड किया जाए तो कंप्लीट डेटा शुड बी प्रोवाइडेड, एंड इसके जरिए जो जर्नलिस्ट हैं उनको ट्रूथफुल रिपोर्टिंग करने में हेल्प मिलती है, एंड एट द सेम टाइम जो रिसर्चर्स हैं उनको भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो ये ध्यान रखेंगे, अभी डेटा कलेक्शन एंड डेटा डिसिमिनेशन जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था, कि गवर्नमेंट को बोला जा रहा था कि दे आर डेलिब्रेटली हाइडिंग सर्टेन डेटास, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग इसके बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड हमारी जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू बहरीन। अब बहरीन जो है प्राइम मिनिस्टर, हमारे पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं जो बहरीन गए हैं, एंड वहां पर उन्होंने जो श्रीनाथ जी श्री कृष्ण से रिलेटेड टेम्पल है उसको प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बहरीन के बारे में देख लेते हैं। इट इज़ एन आईलैंड कंट्री इन द पर्शियन गल्फ। इट इज़ थर्ड स्मॉलेस्ट नेशन इन एशिया आफ्टर मालदीव्स एंड सिंगापुर। तो ये तीसरा सबसे छोटा देश है एशिया का, एंड इट इज साइट ऑफ एंशियंट डिलमुन सिविलाइजेशन। बहरीन जो है वो टिल 1971 इट वॉज अंडर ब्रिटिश प्रोटेक्शन, एंड इट डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस इन 1971। कैपिटल कौन सा है? कैपिटल है बहरीन की मनामा, एंड रिमेंबर कि बहरीन इज मेंबर ऑफ द OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉपरेशन एंड गल्फ कॉपरेशन काउंसिल, ठीक है। इसके अलावा UAE के बारे में भी हमने जब देखा था, देन वी हैव सेड कि UAE इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द गल्फ कॉपरेशन काउंसिल। तो गल्फ कॉपरेशन काउंसिल के 2 मेंबर्स हमने याद कर लिए हैं, UAE एंड बहरीन। नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज, एंड यहाँ पर जो हमारी नेक्स्ट न्यूज है दैट इज रिलेटेड टू करतारपुर कॉरिडोर, एंड BJP के एक MP हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने बोला था कि करतारपुर कॉरिडोर का जो काम है वो बंद कर देना चाहिए क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते सही नहीं है, एंड एट द सेम टाइम दिस कॉरिडोर कुड बी मिसयूज बाय पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है उसका मिसयूज कर सकता है। थोड़ा सा हम लोग करतारपुर कॉरिडोर के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज अ लिंक बिटवीन गुरदासपुर इन इंडियन पंजाब एंड करतारपुर इन पाकिस्तानी पंजाब, ठीक है। अब करतारपुर तक क्यों लोग जाना चाहते हैं? बिकॉज ऑफ गुरुद्वारा दरबार साहिब, एंड गुरुद्वारा दरबार साहिब इज द प्लेस वेयर वेयर गुरु नानक देव ब्रेथ्ड हिज लास्ट, ठीक है। तो वहाँ पे गुरु नानक देव ने अपने कुछ आखिरी दिन बिताए थे, तो उस प्लेस को दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिख कम्युनिटी, एंड दिस सिटी इज फाउंडेड बाय द फर्स्ट गुरु ऑफ सिखिज्म गुरु नानक देव, एंड ही एस्टेब्लिश द फर्स्ट सिख कम्यून ओवर देयर। एंड करतारपुर का मतलब होता है प्लेस ऑफ गॉड। ये किस नदी के किनारे लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी। एंड करतारपुर कॉरिडोर का जो कंप्लीशन है दैट इज एक्सपेक्टेड बाई नवंबर 2019, एंड विच इज द 550th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ गुरु नानक देव। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर इसके बारे में। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, एंड यहाँ पर IMF ने, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने बोला है कि इंडिया का जो डेटा रिपोर्टिंग है दैट हैज सेवरल डिलेज, उसमें बहुत ज़्यादा डिले पिछले कुछ सालों में देखा गया है, स्पेशली इन द 2017-19, ठीक है। तो यहाँ पर जो IMF की रिपोर्ट है उसका क्या नाम है? एनुअल ऑब्जर्वेंस रिपोर्ट ऑफ द स्पेशल डेटा डिसिमिनेशन स्टैंडर्ड फॉर 2018, एंड यहाँ पर इंडिया ने बहुत सारे डेटा नहीं दिए हैं। हालांकि IMF ने यह भी बोला है कि इट इज़ नॉट अ वेरी सीरियस मैटर, एंड इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल रिस्पॉन्स ये आया है कि बिकॉज ऑफ सेवरल टेक्निकल ग्लिचेस, कुछ टेक्निकल ग्लिचेस के कारण जो है हम लोग ये डेटा नहीं दे पाए, एंड इन द कमिंग ईयर्स दिस विल बी इम्प्रूव्ड। अब IMF ने जो है SDDS को लॉन्च किया था 1996 में, जिसके जरिए जो कंट्रीज हैं, जो IMF मेंबर कंट्रीज हैं, वो डेटा अपना ट्रांसपेरेंसी के साथ एंड एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड करें
ताकि जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी अपना पैसा या कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं किसी कंट्री से रिलेटेड, दैट कुड बी डन. एंड इंडिया सब्सक्राइब टू SDDS इन ऑन December 27, 1996. एंड इसमें 20 तरीके का डेटा जो है वो दिया जाता है. ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग यहाँ पर IMF रिपोर्ट से रिलेटेड ऑन डेटा रिपोर्टिंग. नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ल्ड पेज. एंड यहाँ पर जो न्यूज़ है डेट इज रिलेटेड टू G7 जो समिट है वो बियारिट्स फ्रांस में हो रही है. एंड वहाँ पर जो है वो जो यूनाइटेड स्टेट्स एंड जो अदर कंट्रीज हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो एकदम खुल करके बाहर आ गए. अब डिफरेंसेस किन किन इशूज़ को लेकर के है? एक तो जो चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है एंड यूनाइटेड स्टेट की जो पॉलिसी है प्रोटेक्शनिज्म से रिलेटेड उसको लेकर के डिस्प्यूट है. इसके अलावा जो उसकी अप्रोच है नॉर्थ कोरिया एंड ईरान को लेकर के उसके उससे रिलेटेड भी जो है वो डिफरेंसेस वहाँ पर हाईलाइट किए गए हैं. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को बोला है कि जो भी लोग प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं उनको रेस्पॉन्सिबल माना जाएगा ग्लोबल इकोनॉमी में स्लो डाउन के लिए. तो एक तरह से प्रोटेक्शनिज्म को भी क्रिटिसाइज किया गया है. यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा G7 के बारे में देख लेते हैं. इट इज़ अ ग्रुपिंग ऑफ हाईली इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज एंड ये 7 कंट्रीज जो है मिल करके दे कंट्रोल 64% ऑफ द ग्लोबल वेल्थ. एंड कब बना था ये? 1975 में बना था. G7 में कौन कौन से मेंबर्स हैं? कैनेडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर G7 के बारे में. नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूज़. एंड जो हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है डेट इज़ रिलेटेड टू ब्राज़ील. एंड यहाँ पर जो अमेजन फॉरेस्ट एरिया था वहाँ पर जो आग लग गई थी उसको कंट्रोल करने के लिए अब आर्मी को डिप्लॉय किया गया है. तो अमेजन फॉरेस्ट के बारे में ध्यान रखिएगा कि दे आर नोन एज द लंग ऑफ द अर्थ. उनको लंग ऑफ द अर्थ बोला जाता है. एंड नाउ आर्मी हैज़ बीन डिप्लॉयड. ब्राज़ील के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री बोथ इन साउथ अमेरिका एंड लैटिन अमेरिका. इट इज़ द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड 5th मोस्ट पॉपुलस कंट्री. कैपिटल क्या है ब्राज़ील की? ब्राज़ीलिया. मोस्ट पॉपुलस सिटी कौन सी है? साओ पोलो. एंड ब्राज़ील इज मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, G20 एंड ब्रिक्स. ब्राज़ील जो है वो इट शेयर्स बाउंड्री विथ एवरी साउथ अमेरिकन कंट्री एक्सेप्ट इक्वाडोर एंड चिली. इक्वाडोर एंड चिली के अलावा ब्राज़ील जो है हर साउथ अमेरिकन कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है. एंड ब्राज़ील इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड थ्रू विच इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पासेस. ब्राज़ील की जो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम्स हैं वो है पराना एंड अमेजन रिवर सिस्टम. तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर हम लोग ब्राज़ील के बारे में. इसके अलावा जो न्यूज़ है डेट इज रिलेटेड टू हांगकॉन्ग. एंड हांगकॉन्ग में अब पुलिस ने जो है वो वाटर कैनन के बाद अब गन निकाल ली है. वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है उससे रिलेटेड ये न्यूज़ है. एंड हांगकॉन्ग हैज़ बीन इन द न्यूज़ फॉर द लास्ट 1.5 months एंड वी हैव डिस्कस्ड एनएफ अबाउट इट, सो नीड नॉट वरी अबाउट इट. अब ये था आज का न्यूज़ डिस्कशन. एंड जो आपका बिजनेस पेज है वहाँ पर सजेस्ट किया गया है कि आपको पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, पेंशन स्कीम कौन सी लेनी चाहिए. डेट इज़ नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एस्पिरेंट, सो वी कैन स्किप इट. आज जो आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे हम लोग थोड़ा सा उनको डिस्कस कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है लेटेस्ट कंट्री टू ज्वाइन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज अफगानिस्तान. सेकंड क्वेश्चन का आंसर है नेम्स ऑफ ट्राइब्स इनहेबिटिंग इन अरुणाचल हिमालयाज. एंड थर्ड क्वेश्चन का आंसर है मजूली द लार्जेस्ट रिवर एंड आइलैंड इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड ऑन द ब्रह्मपुत्रा रिवर. सो दैट्स ऑल फ्रॉम अवर साइड. आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द एग्जाम्स मेड सिंपल. थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड.